एवरीवन, हाय, मैं हूं प्रीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को आपकी पसंद के अमेज़न और फ्लिपकार्ट से कुर्ती कुर्ता प्लाजो सेट सिखाने वाली हूं। लेकिन हॉल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स का रिव्यू देने वाली हूं। एक उनके अंडर आई क्रीम है डार्क सर्किल्स के लिए और दूसरा ये टर्मरिक एलोवेरा जेल है जिसका रिव्यू मैं आपको देने वाली हूं। कंप्लीट ट्राइड एंड टेस्टेड ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है। हॉल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूं कि इस रिव्यू को आप बहुत अच्छे से देख ले। अगर आप मेरी जैसे डार्क सर्किल्स का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आपकी भी एक्ने स्किन है, आपको बहुत ज्यादा एक्ने निकल जाते हैं, सेंसिटिव स्किन है, तो आपके लिए ये रिव्यू डेफिनेट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ममा अर्थ के टर्मरिक एलोवेरा जेल की। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके आउटर पैकेजिंग मिल जाती है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल है, 300 ml की बोतल है जिसका प्राइस कुछ 399 रुपीज है। ऊपर की तरफ नोजल ट्विस्ट करने पे जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाता है। पीछे की तरफ आपको डायरेक्शंस दिए गए हैं इसे कैसे यूज करना और इसमें एक्स्ट्रा क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं। बाहर की तरफ देख लेते हैं, ममा अर्थ एलोवेरा टर्मरिक जेल विद प्योर एलोवेरा जेल एंड टर्मरिक फॉर ऑल स्किन टाइप एंड हेयर टाइप, यानी कि आपके स्किन का टेक्सचर कुछ भी हो ये सुटेबल है आपके लिए और आपके हेयर का टेक्सचर कुछ भी हो तब भी ये प्रोडक्ट सुटेबल है आपके लिए। टर्मरिक है और एलोवेरा का कंबाइन यूज करके ये जो प्रोडक्ट है वो बनाया गया है। कंप्लीटली पैराबेन सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट है और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड प्रोडक्ट है, तो आप इसे आराम से बाय कर सकते हैं क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट भी इसे रिकमेंड करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट ने मेरे चेहरे पे क्या काम किया है। 2013 से मुझे एक्ने का इशू है, इतने लंबे टाइम से। आप देख लीजिए कि 2013 से लेके अब तक मैं एक्ने के प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ, तो मैं कितना जेन्युइन रिव्यू आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। मैंने नोटिस किया है, मैं रात को इसे लगा के सोती हूँ, सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं नोटिस करती हूँ कि एलोवेरा और टर्मरिक की वजह से मेरी स्किन जो है बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड मुझे फील होती है। नंबर वन तो यही चीज है, इसकी क्वालिटी की बात मैं अगर करती हूँ तो। दूसरी बात यह है कि मैंने नोटिस किया है कि मेरे एक्ने जो है वो थोड़े कम हो गए हैं आने। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही गायब हो गए हैं, अब तो आते ही नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्ने अभी भी मेरे आ रहे हैं, इतना मेकअप यूज करती हूँ, इतनी सारी चीजें खाने पीने में भी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसकी वजह से एक्ने तो मेरे अभी भी आ रहे, बट ये एक्ने को आने से कंट्रोल बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्ने बिल्डअप नहीं हो रहे हैं अब मेरी स्किन पे। प्लस एक्ने की वजह से जो डार्क स्पॉट्स थे वो भी मेरे लाइट हुए हैं। एक्ने की वजह से मेरे चेहरे पे प्रोमिनेंट गड्ढे गड्ढे थे वो भी मैंने नोटिस किया है कि लेस विजिबल हो गए हैं। प्लस मेरी स्किन पे रेडिशनेस रहती है क्योंकि मेरी स्किन एक्ने की वजह से एक्सट्रीम सेंसिटिव हो गई है, तो मैंने इसे नोटिस किया है कि क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है प्रोडक्ट, तो मेरी रेडिशनेस भी जो है ना स्किन की वो कम हो गई है। तो हर प्रोडक्ट को हर अलग अलग तरीके की स्किन पे वर्क करने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे जो इसके रिजल्ट्स मिले हैं, कुछ मुझे इसे यूज करते हुए 20-25 डेज हो चुके हैं, उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू बना रही हूं, तो आपकी स्किन पे भी मुझे लगता है कि ये वर्क करेगा। एलोवेरा एक ऐसी चीज है कि जिसको मैं बिना रात में लगाए सोती ही नहीं हूं, मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूं, इसको भी मैं लगा रही हूं। इससे आप अपने रूटीन में एक बार एड ऑन कर लीजिए, आपको जल्दी रिजल्ट दे तो बहुत अच्छा है, थोड़ा लेट रिजल्ट दे तो कोई बात नहीं, बट इस प्रोडक्ट को आप यूज करके देखिए, इसमें दम है। मैंने पर्सनली यूज किया है और सच में ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ इसकी नाइट क्रीम के बारे में। ये जो क्रीम है अंडर आई क्रीम, इसे भी आप लोगों ने मुझे स्पेशली रिकमेंड किया था 4-5 महीने पहले जब मैंने रिव्यू किया था ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स का, तब आप लोगों ने ही कहा था कि इसका डार्क सर्किल का जो क्रीम है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसकी आउटर पैकेजिंग मिल जाती है। इसमें लिखा हुआ है ममा अर्थ बाय बाय डार्क सर्किल्स आई क्रीम विथ कुकम्बर फॉर डार्क सर्किल्स। ये भी सिलिकॉन एंड पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है, ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। नेट क्वांटिटी इसकी 20 ग्राम्स की आपको मिल जाती है और ऑलमोस्ट ये बॉटल अब मेरी खत्म हो चुकी है। इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से मैंने एलोवेरा जेल भी अपने स्किन पे आपको लगा के बताया है। तो मैं एक दिन कम्प्लीटली अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाती हूँ। टर्मरिक भी डार्क सर्किल के लिए अच्छा रहता है, एलोवेरा भी डार्क सर्किल के लिए अच्छा रहता है, तो मैं एक दिन ऑल ओवर पूरे फेस पे, अंडर आई पे, सब जगह ऑल ओवर एलोवेरा लगा के सोती हूँ और एक दिन बाकी रेस्ट पूरे फेस पे मैं एलोवेरा लगाती हूँ और अंडर आई के इस एरिया में मैं डार्क सर्किल का जो ये क्रीम है वो लगा के सोती हूँ। इसने मेरे डार्क सर्किल्स को काफी हद तक लाइट किया है, काफी हद तक। अदरवाइज मैं आपको बोलूं
पूरा एक ब्लैक कलर का मेरा ना पैच ही था। तो आप चाहे तो इन्हें बाय कर सकते हैं। हर वेडनेसडे मामा अर्थ की जो वेबसाइट है उस पे सेल भी चलती है, आपको ये दोनों प्रोडक्ट सस्ते दामों पे मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया वाले ऑफर्स मामा अर्थ की प्रोडक्ट्स पे चलते हैं हर वेडनेसडे। तो आज भी वेडनेसडे है, जो भी आज की उनकी वेबसाइट पे ऑफर चल रहा होगा वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। प्लस मैंने अर्न करो के थ्रू पर इन दोनों प्रोडक्ट्स को परचेज किया था, जो कि ये कैशबैक कंपनी है, तो अगर आप उनके थ्रू भी बाय करते हैं तो आपको कैशबैक मिल जाएगा, तो आपकी और एडिशनल एक्स्ट्रा सेविंग हो जाएगी। अर्न करो के थ्रू कैसे आप इन्हें बाय कर सकते हैं वो मैंने एक वीडियो में बताया है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो मेरी तरफ से ये मामा अर्थ के दोनों प्रोडक्ट्स हाईली रिकमेंडेड है, आप दोनों बाय कर लीजिए, आप 101% सेटिस्फाइड होंगे, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। चलिए आप हॉल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है पहला कुर्ता प्लाजो सेट, जो कलर आपको कैमरे में दिख रहा है इसका वही आएगा, ब्राइट फ्यूशिया पिंक कलर का है। और मुझे काफी सारे लोगों ने कहा था कि इस शेड का कुछ भी पार्टी वियर में रिव्यू करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेयॉन फैब्रिक का है। इसके ऊपर ऑल ओवर आपको गोल्ड का प्रिंट मिल जाता है, लेकिन प्रिंट क्वालिटी जो मुझे रिसीव हुई है वो मुझे बहुत अच्छी रिसीव हुई है। इसमें मैंने एल साइज लिया है और मुझे इसमें एल साइज एकदम परफेक्ट आया है, बहुत स्लाइटली सा लूज है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। इस तरीके से नेकलाइन में आपको बटन्स मिल जाते हैं टैसल्स के साथ में, जो कम्प्लीटली बंद है, ओपन नहीं होते हैं, लेकिन नेकलाइन में इतना फेयर इनफ स्पेस है कि आपका सर इसमें आसानी से घुस जाएगा। इस तरीके से आप देखिए, थोड़ा आपको 3/4 से बड़ा स्लीव्स मिल जाता है, तो इस तरीके से आपको स्लीव्स में भी जो डिजाइन है वो मिल जाता है गोल्ड प्रिंट का। मीडियम लेंथ का कुर्ता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, परफेक्ट रहेगा टॉल हाइट गर्ल्स के लिए भी और शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए भी। सिमिलर प्रिंट जो आपको आगे मिलता है वही आपको कुर्ते में पीछे की तरफ मिल जाएगा। बहुत सुंदर सेट है, परफेक्ट पार्टी वेयर है। नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड प्रिंट के आपको जो बॉर्डर है यहाँ पे वो मिल जाता है। प्रिंट क्वालिटी नो डाउट अच्छी रिसीव हुई है। इसके साथ में आप लोगों को मिल जाता है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसका प्लाजो। प्लाजो में भी आपको बहुत सुंदर जो डिजाइन है वो मिल जाता है गोल्ड प्रिंट का। इसकी कमर भी आप देख लीजिए, आराम से 38 आपकी कमर है, तो आपको ये प्लाजो आराम से आ जाएगा। ऊपर की तरफ भी देखिए, आपको कुछ इस तरीके से गोल्ड प्रिंट मिल जाता है। इस कुर्ता प्लाजो सेट का लिंक मुझे किसी ने सेंड किया था रिव्यू करने के लिए, और यहाँ पे आप ये देखिए, इस तरीके से भी आप गोल्ड प्रिंट जो है ऑल ओवर प्लाजो में मिल जाता है। प्लाजो का लेंथ भी मीडियम है, बहुत ज्यादा नहीं है, और यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से एक लेग में आपको जो घेर है वो मिल जाता है। अगर आपकी टॉल हाइट है, अगर आपकी हाइट 5'8" या 5'9" है, तो जिस तरीके से ये सेट मुझ पे लग रहा है आप पे भी वैसे ही लगने वाला है, अगर आपकी मेरी सिमिलर हेल्थ है। और अगर आपकी थोड़ी सी शॉर्ट हाइट है तो डोंट वरी, प्लाजो आपको बहुत ज्यादा लंबा नहीं पड़ेगा, तो आप इसको आराम से पहन सकते हैं, आपको ऑल्ट्रेशन कराने की जो जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। लेकिन प्लाजो कुर्ता पहनने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ अराउंड 1000 रुपीज का था, एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। सेकेंड जो कुर्ती है वो ये बहुत ब्यूटीफुल सी टिश्यू ब्रांड की कुर्ती है। इसका फैब्रिक इतना वाव मुझे रिसीव हुआ है, इसमें सारे साइजेस अवेलेबल हैं, आप अमेजोन से इसे बाय कर सकते हैं। बहुत सुंदर कुर्ती है, आप देख सकते हैं रेयॉन फैब्रिक की है, नेकलाइन पे अगर आप देखेंगे तो अंगरखा कुर्ती है, और इस तरीके से रेड कलर का आपको लूपी लगा हुआ मिल जाता है। व्हाइट कलर के इतने सुंदर इस कुर्ती में रोजेज है, मुझे बहुत पसंद आई ये कुर्ती। ब्लू कलर का है, डार्किश ब्लू है इसमें कलर, और यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आपको 3/4 स्लीव्स मिलती है, और स्लीव्स में भी आपको ऑल ओवर जो व्हाइट रोजेस है वो बने हुए मिलते हैं। प्रिंट बहुत अच्छा है, डिजाइन बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आपको टैसल्स मिल जाते हैं, जिसमें कुछ ऐसे बूटीज लटकी हुई हैं डोरी में, बहुत सही लगता है ये कुर्ता पहनने के बाद में। और यहाँ पे आप देखिए नीचे की तरफ से ए लाइन अनारकली जो कुर्ता होता है ये वो है। इसकी भी लेंथ जो है मीडियम है, ना ज्यादा शॉर्ट है ना ज्यादा लॉन्ग है, परफेक्ट रहेगा टॉल हाइट गर्ल्स के लिए भी और शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए भी। आप देख लीजिए कितना सही है, फैब्रिक इसका रेयॉन है और बहुत सॉफ्ट इसका फैब्रिक है। पहनने के बाद में ये इतना अच्छा लुक देता ना, ये भी कुर्ता बहुत ज्यादा महंगा नहीं था, कुछ अराउंड 700 या 800 का है, एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बट सीरियसली इस कुर्ते को तो आप मिस मत कीजिएगा, इसे आप जरूर बाय कीजिएगा। ये पहनने के बाद में ना बहुत क्लासी लुक देता है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इनर एड ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको थर्ड कुर्ती दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं बेज कलर की कुर्ती है, बहुत सुंदर मुझे ये रिसीव हुई है। इसकी भी फैब्रिक क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है, ये अनाही ब्रांड का है,
इसमें मैंने मीडियम साइज लिया है। आपकी भी अगर हेल्थ मेरे जैसी है तो आपको मीडियम साइज बाय करना है। इस कुर्ती में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से डांस करते हुए लड़का लड़की जो है राजस्थानी स्टाइल में वो बने हुए हैं। बहुत सुंदर डिजाइन है। इसकी नेकलाइन पे भी अगर आप देखेंगे ना तो गोल्डन जरी के धागे से आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है और कुछ इस तरीके से आपको ऑल ओवर जो लुक है कुर्ती का वो मिलता है। कितना सुंदर आप देखिए इसमें डिजाइन बना हुआ है। मैं क्लोज लुक देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से आपको इसमें जो डांस करने वाले लड़का लड़की हैं वो मिल जाते हैं। इसकी आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाती हैं। स्लीव्स में भी आपको कुछ इस तरीके से बॉर्डर के साथ में गोल्ड प्रिंट जो है वो मिल जाता है। प्रिंट क्वालिटी कुर्ती की बहुत अच्छी है। नीचे की तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको डिटेलिंग मिल जाती है चुन्नट चुन्नट की। ये भी नीचे से ए लाइन अनारकली कुर्ती है। ऑल ओवर कुर्ती में आपको सिमिलर प्रिंट मिल जाता है आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। नीचे की तरफ से पार्टी वेयर लुक है, ये पार्टी वेयर कुर्ती है तो नीचे की तरफ आप देखिए इस तरीके से आपको गोल्डन बॉर्डर मिल जाता है, ब्लैक बॉर्डर मिल जाता है जिसपे आपको गोल्डन प्रिंट मिल जाता है। बहुत सुंदर कुर्ती है, ये पहनने के बाद में बहुत अच्छी लग रही थी। ये कुर्ती जब भी स्टॉक इन होती है ना ये फटाफट विद इन 2 डेज स्टॉक आउट हो जाती है। ये इतनी पॉपुलर कुर्ती है अमेजोन पर। अभी भी इसमें LXL XXL है तो आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं और आप इसे विश लिस्ट में रखिए एकदम से सडन ऑफ। अगर आपको ये कुर्ती पसंद आ रही हो ना कभी भी इसमें स्मॉल मीडियम एकदम से स्टॉक इन हो जाते हैं तो आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं। हैवी रियॉन फैब्रिक की है, बहुत सॉलिड इसका फैब्रिक है। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इसके बाद में मेरे पास में यहाँ सी ग्रीन कलर की इतनी सुंदर कुर्ती है, ये है अलीना ब्रांड की। इसमें मैंने मीडियम साइज लिया है और मुझे एकदम परफेक्ट आया। बहुत सिंपल सोबर चंदेरी सिल्क की कुर्ती है। इस तरीके से आपको नेकलाइन में गोल्डन जरी वर्क की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, व्हाइट थ्रेड वर्क की भी एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। इसके कुर्ती पे सिर्फ ये जो नेकलाइन पे आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं बस यही इस कुर्ती में एम्ब्रॉयडरी है। सिंपल सोबर कुर्तीज अगर आपको पहनना पसंद है तो आप इस कुर्ती को बाय कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए बेसिक आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाती है। कपड़ा बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है। इसके अंदर आपको लाइनिंग भी लगी हुई मिल जाती है। इसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो मेन इसका कलर है सी ग्रीन कलर, उस वजह से मैंने इसे बाय किया है। पीछे की तरफ से भी आप देखेंगे तो ये कम्प्लीटली प्लेन कुर्ती है बट लाइट एम्ब्रॉयडरी के साथ में पहनने के बाद में इसका जो लुक है वो काफी अच्छा आता है कुर्ती का। तो आप चाहें तो इसे भी बाय कर सकते हैं, पहन के मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ में भी आप कोई शरारा मैच कर सकते हैं, गुड इयररिंग्स पहन सकते हैं तो पहनी हुई ये भी सिंपल सोबर कुर्ती बहुत अच्छी लगेगी। लाइट पार्टी वेयर फंक्शंस के लिए ये कुर्ती काफी ज्यादा अच्छी है, आप चाहें तो इसे भी बाय कर सकते हैं। ये भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है और बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, चिंता मत कीजिए। इसमें लाइनिंग लगी हुई है तो ट्रांसपेरेंट नहीं है और बहुत सॉफ्ट गुड क्वालिटी चंदेरी सिल्क फैब्रिक है इसका जो है। मैं यहाँ पे आपको फोटोग्राफ लगा रही हूँ, एक्चुअली ट्रायल लगा रही हूँ, आप देख लीजिए। ये जैकेट स्टाइल कुर्ती है, इसके अंदर आपको पिंक कलर की यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट कॉटन मटेरियल की कुर्ती मिल जाती है। अनारकली कुर्ती है ये, ए लाइन अनारकली कुर्ती। इस तरीके से आपको पिंक कलर का सॉफ्ट कॉटन मटेरियल का कुर्ता मिल जाता है। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आपको स्लीव्स मिल जाती है जिसमें जैकेट का जो कपड़ा है उसका जो बॉर्डर है वो लगाया गया है ब्लू कलर का। प्लेन लाइट सॉफ्ट कॉटन मटेरियल की कुर्ती है। नीचे की तरफ देखिए आपको इसमें बहुत ज्यादा घेर नहीं मिलता है, नॉर्मल ए लाइन अनारकली में जो नॉर्मल सा घेर होता है वो इसके अंदर आपको मिलता है। नीचे की तरफ आपको देखिए बॉर्डर का जो डिटेलिंग है वो मिल जाता है। ये फैब्रिक आप इस फैब्रिक की कुर्ती बनाई है, कुर्ती के ऊपर जो जैकेट है वो बनाई गई है। पीछे की तरफ से भी अंदर की जो कुर्ती है कम्प्लीटली प्लेन है, स्लाइटली सी ये ट्रांसपेरेंट है। अगर आपको कभी लगे कि मुझे जैकेट नहीं पहननी है मुझे सिर्फ ये कुर्ती पहननी है तो आपको इसके अंदर एक शमीज एक्स्ट्रा एड ऑन करना पड़ेगा। और अगर आपको इसके साथ में प्रॉपर जैकेट टाइप पहनना है तब तो कम्प्लीटली परफेक्ट है, फिर आपको कोई एक्स्ट्रा इनर एड ऑन करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको इसकी जैकेट मिल जाती है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ये भी सॉफ्ट कॉटन मटेरियल की है। क्लोज लुक में आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से आपको कुर्ती में जो प्रिंट है वो मिल जाता है गोल गोल सर्कल में। सामने की तरफ आपको एक ब्लैक बॉर्डर मिल जाता है जिसपे गोल्ड प्रिंट आपको मिलता है। गोल्ड प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी रिसीव हुई है, परफेक्ट है एवरीडे वेयर के हिसाब से। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको बहुत ज्यादा गफ कॉटन पहनना पसंद नहीं है या गफ रेयन पहनना पसंद नहीं है, आपको गर्मी ज्यादा लगती है और आपको लाइट कुर्तियां लाइट फैब्रिक की कुर्तियां पहनना पसंद है तो ये फिर आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसे आप बाय कर सकते हैं।
ज्यादा लंबी नहीं है कुर्ती, मीडियम लेंथ की है, तो शॉर्ट हाइट गर्ल्स और टॉल हाइट गर्ल्स सबके लिए बेटर है पहन के। मैं आपको इसका ट्रायल दिखा रही हूँ, अच्छी कुर्ती है एवरीडे वेयर के हिसाब से। आप चाहे तो इसे भी बाय कर सकते हैं, इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। लास्ट में मैं आपको दो कुर्तियां दिखा रही हूँ, ये दोनों ही मेरी फेवरेट येलो कलर की कुर्ती है। एक मस्टर्ड येलो के ऊपर आपको देखिए आपको प्रिंटेड जैकेट मिल जाती है, और इधर राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं जिस कुर्ती को मैंने धोती के साथ में पहना हुआ वो मैक्स की कुर्ती है। दोनों ही येलो कुर्तीज़ मेरी फेवरेट है, तो मैंने सोचा आपको ट्रायल लगा के एक साथ में दिखा देती हूँ। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक येलो कुर्ती आपके लिए पसंद आती है या दोनों पसंद आती हैं तो आप इनको भी बाय कर सकते हैं। इनकी भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। दोनों ही कुर्तियाँ मैंने मीडियम साइज़ में बाय की हैं, दोनों ही कॉटन मटेरियल की कुर्तीज़ हैं और एवरीडे वेयर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल कुर्तीज़ हैं। प्रिंट क्वालिटी भी दोनों येलो कुर्तीज़ का काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ है। एक बेसिक येलो कुर्ती है जिसके ऊपर पिंक कलर का प्रिंट दिया गया है, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप M&D की कुर्ती देखेंगे तो वो येलो कलर की कुर्ती है जिसके ऊपर आपको जैकेट मिल जाती है। तो एक येलो लेयर कुर्ती है और एक बेसिक येलो एवरीडे वेयर कुर्ती, आप दोनों में से जो चाहें आपके लिए बाय कर सकते हैं।